आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस दुनिया की वाहिद आर्म्ड फोर्सेस हैं जिनमें खुदकुशी का रुझान 0% है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी फौजी जिस्मानी लिहाज से तो ताकतवर और मजबूत होते ही हैं, मगर इसके साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ यानी कि जहनी मजबूती के हवाले से भी बहुत आला मुकाम रखते हैं। पाकिस्तान आर्मी के जवान दो ही मकासद साथ लिए दुश्मन के साथ मैदान जंग में पंजा आजमा होते हैं, और वो दो मकासद हैं शहादत या गाजी बन के लौटना, और ये दोनों मकासद ही परफेक्शन और तकमील का लिबादा ओढ़े हुए हैं। इसलिए कि मुसलमान सिपाही एक अल्लाह की ज़ात पर भरोसा और एतमाद रखता है और जानता है कि खुदा हर हाल में उसके साथ है, लिहाजा इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ये समझा जा सकता है कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस में खुदकुशी का रुझान 0 क्यों है, जबकि पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस में खुदकुशी का रुझान बहुत ज़्यादा पाया जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक 2010 से 2019 के अरसे के दरमियान इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के 1110 फौजियों ने खुदकुशी की। भारतीय फौज में खुदकुशी की वजूहात क्या हैं, आइए देखते हैं। भारतीय फौजी उस वक्त शदीद ज़हनी दबाव और अज़ियत का सामना करते हैं जब उन्हें किसी महाज पर भेजा जाता है। भारतीय फौजियों को जब छुट्टी नहीं मिलती तब वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं और ख़ुदकुशी करते हैं। भारतीय फौजियों में खुदकुशी की एक वजह यह भी है कि उन्हें अपने अफसरों के गैर पेशावराना, बहिमाना और ज़ालिमाना रवैये का सामना करना पड़ता है। भारतीय फौज में खुदकुशी रोकने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फौजियों की खुदकुशियां रोकने के लिए बहुत से इकदाम कर रही है, जिनमें गमगीन और अफसुरदा फौजियों की काउंसलिंग करना, उन्हें योगा करवाना और उन्हें हर तरह की आसाइश मुहैया करना शामिल हैं। फौजियों को छुट्टी देने के हवाले से बेहतर पॉलिसियां बनाई जा रही हैं। माहिरीन नफ्सियात की निगरानी में फौजियों को दबाव सहने और उससे निमटने के मुख्तलिफ तरीके बताए जा रहे हैं। इंडियन फौज के ज़ेर इंतज़ाम बास नफ्सियाती बहाली मराकज़ कायम किए गए हैं, जहां जहनी परेशानी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस के शिकार फौजियों का इलाज किया जाता है।